हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, मैं आजकल ऐसी क्लासेस चला रहा हूँ जिसमें जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, दो साल पहले ही पढ़ा चुका हूँ, बट फिर से वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, बट एक अलग तरीके से, एक अलग वे में। मैं रोज़ आपको एक टॉपिक बताऊँगा और उस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस मैं बोलूँगा, बोल के आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊँगा। फिर आपको होमवर्क के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस देता हूँ लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बहुत सारे सेंटेंसेस, फिर नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर भी बताता हूँ। तो ये एक बिल्कुल क्लास की तरह है, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं। किसी क्लास में भी मैं नहीं मानता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि किसी क्लास में भी ऐसे लोग पढ़ाते होंगे कि रोज़ पढ़ाए और रोज़ होमवर्क दे फिर रोज़ उसको चेक करें। ऐसा हर क्लास में नहीं करते लोग, सिर्फ टॉपिक पढ़ाते जाते हैं, दो चार कभी कभी प्रैक्टिस करवा देते हैं, नहीं तो हमेशा रोज़ के रोज़ ऐसे होमवर्क देना और चेक करना सबके वश की बात नहीं है। बट मैं एक क्लास में, यूट्यूब क्लास में करा रहा हूँ, जो शायद ही यूट्यूब पर किसी क्लास में ऐसा करवाते होंगे लोग, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है ये मौका। आप घर बैठे ही किसी भी क्लास की तरह आप इंग्लिश सीख सकते हो, बस रोज़ रेगुलर वीडियो देखते रहो। जैसे आप क्लास में जाकर सीखना चाहते हो, वही चीज़ आप घर पे बैठे सीख सकते हो। आपको किसी भी क्लास में जाकर अपने टाइम बर्बाद करने या पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमसे दूर रहते हो, अभी किसी भी क्लास से पैसे देने के लिए आपके पास पैसे कम पड़ते हैं या आपके पास टाइम कम पड़ते हैं, तो आप घर पे बैठे सीख सकते हो इस क्लास को द्वारा। बहुत ही अच्छा वे बता रहा हूँ आपको। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक मैंने आपको एग्जाम के सारे स्टेप बता दिए, उसके प्रैक्टिस भी करवा दिए बहुत सारे सेंटेंसेस के द्वारा। आज मैं शुरू करूँगा उसका पास्ट, एग्जाम का पास्ट यानी वाज वेयर। ओके फ्रेंड्स, तो मैं एक शॉर्टकट में आपको बताते जा रहा हूँ कि वाज वेयर कहाँ लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वाज एंड वर्ब, व्हाट इज दिस, ये क्या है? दिस इज द हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो 24 हेल्पिंग वर्ब को ही आपको सीखना है इस्तेमाल करना। 24 हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आपको आ गया तो आपको इंग्लिश आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो वाज वेयर का इस्तेमाल हम कब करते हैं? वाज वेयर का इस्तेमाल हम बहुत सारी जगहों पर करते हैं, बट अभी हम आपको बेसिक इंग्लिश के सेंटेंसेज में करेंगे जिसमें वर्ब नहीं आता है, जो नॉन वर्बल होता है, वैसे सेंटेंसेज अभी आपको हम बता रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो था थे थी होता है इसका मतलब, सिंपल है, था थे थी। अब आपने इज आर एम सीखा, तो जहाँ पर इज लगाते हैं यानी कि इज वाले के साथ, पहले हम आर वाले के साथ सीखेंगे, आर वाले के साथ वर लगाएंगे, था थे थी रहेगा, तो जिसके साथ हम आर लगाते थे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आर कहाँ लगाते थे, तो आप पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस इंग्लिश क्लासेस करके प्लेलिस्ट बनाया है मैंने, उसमें आप शुरू से जाकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आर की जगह पर वर लगाएंगे, फिर बाकी सबके साथ क्या लगाएंगे? वॉज। अभी हम इसको सिंपल भाषा में समझा रहे हैं कि एक आई और यू को छोड़ के, ठीक है, एक के लिए, एक के साथ वॉज, ठीक है, एक के साथ वॉज आएगा और एक से ज़्यादा के साथ वर आता है, ये आप समझ लो। आई और यू को छोड़ के एक की बात कर रहे हैं तो वॉज, और एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो वर। अभी कितने लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं जहाँ थे रहेगा वहाँ पर वर लगाएंगे, जहाँ था थी रहेगा वहाँ पर वॉज लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। जहाँ पर थे होता है वहाँ पर भी वॉज लग सकता है, ठीक है ना? तो अभी हम आपको, अभी आप पूछेंगे कि आई और यू को छोड़ दिए तो फिर आई के साथ क्या लगेगा और यू के साथ क्या लगेगा? तो आई के साथ वॉज और यू के साथ वर, ये चेंज नहीं होता है, इसके साथ फिक्स है। ओके फ्रेंड्स, आई के साथ वॉज और यू के साथ वर, बाकी इनको छोड़ के एक की बात कर रहे हैं तो वॉज, एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो वर। ओके फ्रेंड्स, तभी लगाना है जब सेंटेंस में लास्ट में था थे थी हो। अब नॉन वर्बल सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब इसमें क्रिया नहीं है। जैसे आप ये मत बोलना मैं गया था तो आई वॉज गो, ऐसा मत बोल देना, दैट इज़ द
सेंटेंसेस फ्रॉम टेंस, वह टेंस का सेंटेंस है, वो वर्बल सेंटेंस है, उसमें वर्ब आ रहा है काम करने या होने की बात बताई जा रही है, इसमें कोई भी काम करने या होने की बात नहीं बताई जाएगी। जैसे मैं बीमार था, इसमें कोई काम करने या होने की बात नहीं बताई जा रही है। वह मेरा घर था, वो मेरा दोस्त था, मेरे पिताजी वकील थे, मेरे दादाजी पहलवान थे, ये सब तुम्हारी किताबें थी, वह पागल था, ये सब ऐसे इस तरह के सेंटेंस है। ओके फ्रेंड्स, इसमें कोई वर्ब नहीं आ रहा है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आता है, वाज वर्ब। जैसे अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, अफर्मेटिव बोलिए या असर्टिव सेंटेंस बोलिए या पॉजिटिव सेंटेंस बोलिए, हम उसमें से सेंटेंस लेते हैं, वह मेरा दोस्त था। ओके फ्रेंड्स, तो वह माने एक की बात कर रहे हैं, तो ही उसके साथ वॉज लग जाएगा, ही वॉज माई फ्रेंड। ओके, वे लोग तैयार थे, तो दे वर रेडी। अब यहाँ पे वर क्यों लगा, क्योंकि ये बहुवचन की बात हो रही है। जैसे हम इज और आर का हमने समझाया था ना, वैसे ही सेम इसमें भी है, सभी आर वाले के साथ वर लगेगा, बाकी सबके साथ वॉज लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया अफर्मेटिव का सेंटेंस। तो इसी तरह से नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बार बार एक एक करके पढ़ाने से बहुत टाइम लगेगा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर हम एक साथ इसका सेंटेंसेज आपको होमवर्क के लिए मिक्स करके देंगे। ओके, तो अभी नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ते हैं। नेगेटिव, उसका घर बड़ा नहीं था। ओके, तो नेगेटिव के लिए मैंने आपको एक सटीक फॉर्मूला बता दिया, एकदम सॉलिड फॉर्मूला है, कि कोई भी सेंटेंस जब नेगेटिव में रहता है तो उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, सिंपल। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर है, तो पहले लिखेंगे हिज हाउस, फिर उसके बाद वाज, ठीक है, ऐसा मत बना देना हिज वाज हाउस, ऐसा मत बनाना, हिज हाउस वाज, फिर वाज के बाद नॉट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट बिग। क्या तुम तैयार थे, क्या तुम तैयार थे, तो क्या आया, तो कोई भी सेंटेंस उसके में किसी भी सेंटेंस के पहले अगर क्या से शुरू हो रहा है सेंटेंस, वो क्या लगा है, तो उसका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें तुम तैयार थे तो यू आर रेडी, इसमें वर आ रहा है तो वर पहले लिखेंगे, वर यू रेडी। अभी क्या तुम तैयार नहीं थे, एक नहीं वाला बना रहे हैं इसमें, इसमें नहीं लगा देते हैं, क्या तुम तैयार नहीं थे, तो वर यू नॉट रेडी, या वरंट यू रेडी। ओके फ्रेंड्स, वरंट यू रेडी शॉर्ट फॉर्म है। ये हो गया आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी हम आपको क्वेश्चन वर्ड का भी बता देते हैं। ओके फ्रेंड्स, वह नाराज क्यों था, वह नाराज क्यों था, इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो जैसे इजारम का आपने बनाया है सेम वैसे ही बनेगा, इजारम की जगह वाज और आ जाता है, तो वाई वाज ही एंग्री, सिंपल है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आदर्स। ओके, वह नाराज क्यों नहीं था, अगर हम इसमें नहीं लगा कर बनाते हैं तो व्हाई वाज ही नॉट एंग्री, या व्हाई वाजंट ही एंग्री, सिंपल है, व्हाई वाजंट ही एंग्री। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से वह किसका घर था, किसका घर था, वो किसका घर था, तो हुज हाउस इज, सॉरी वॉज दैट, हुज हाउस वॉज दैट, वहाँ कितने पेड़ थे, तो हाउ मैनी पहले लिखेंगे, कितने आ रहा है इसलिए गिन सकते हैं उसको, इसलिए हाउ मैनी लिखेंगे, फिर उसके बाद ट्री लिखेंगे, ट्रीज, फिर उसके बाद वर देर,
सब कुछ इजारम की तरह ही है, बस इसमें इजारम की जगह वाज वर लगाना है, कब, जब था थे थी वो लास्ट में, तब नॉन वर्बल सेंटेंसेज में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं इसमें मिक्स सेंटेंसेज में। ओके, तुम कहाँ थे, वेयर वर यू, तुम कल कहाँ थे, वेयर वर यू स्टरडे, वह खुश नहीं था, ही वॉज नॉट हैप्पी, क्या वह तुम्हारी गाय थी, वॉज दैट योर काउ, क्या वे लोग खिलाड़ी थे, वर दे प्लेयर, क्या वे लोग खिलाड़ी नहीं थे, वर दे नॉट प्लेयर या वरंट दे प्लेयर। कल सोमवार था, इट वॉज मंडे यस्टरडे, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं यस्टरडे इट वॉज मंडे। वह कौन था या वो कौन था, हु वॉज इट या हु वॉज दैट भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हु वॉज दैट या हु वॉज इट। तुम्हारे दादाजी क्या थे, वॉट वॉज योर ग्रैंडफादर। तुम्हारे पिताजी खुश क्यों नहीं थे, वाई वॉज योर फादर नॉट हैप्पी या वाई वॉजंट योर फादर हैप्पी। वह किसकी कार थी, हुज कार वॉज दैट। वहाँ कितने लोग थे, हाउ मैनी पीपल वर देयर। वहाँ कितना पानी था, हाउ मच वाटर वॉज देयर। तुम्हारी परीक्षा कब थी, व्हेन वॉज योर एग्जाम। कौन सा लड़का तुम्हारा भाई था, यहाँ पर कौन सा लड़का आ रहा है, तो विच के बाद हम हेल्पिंग वर्ब नहीं रखेंगे, क्योंकि कौन सा लड़का जस्ट क्वेश्चन वर्ड के बाद, ठीक क्वेश्चन वर्ड के बाद हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं, यानी कि नाउन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर विच बॉय हम लिखेंगे, विच बॉय बोलेंगे। तो कौन सा लड़का तुम्हारा भाई था, विच बॉय वॉज योर ब्रदर। कौन सी लड़की तुम्हारी बहन थी, विच गर्ल वॉज योर सिस्टर। वह किसका भाई था, हुज ब्रदर वॉज ही। वहाँ कितने लड़के थे, हाउ मैनी बॉयज वर देयर। वहाँ कितना दूध था, हाउ मच मिल्क वॉज देयर। तुम मुझसे खुश क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट हैप्पी विथ मी या वाई वरंट यू हैप्पी विथ मी। मैं कैसे गलत था, हाउ वॉज आई रॉन्ग। तुम कैसे सही थे, हाउ वर यू राइट। क्या उसका इरादा गलत था, वॉज हिज इंटेंशन रॉन्ग। क्या उसका इरादा गलत नहीं था, वॉजंट हिज इंटेंशन रॉन्ग। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब थे प्रैक्टिस के लिए। अभी मैं आपको मिक्स सेंटेंसेस देता हूँ होमवर्क के लिए। मिक्स मीन्स वॉज वेयर से जितने भी संबंधित है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स, सारे मिक्स रहेंगे, आप घर पे प्रैक्टिस करना। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा सेंटेंसेस, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो या नोटबुक में लिख लो। फ्रेंड्स, अगर आप नोटबुक में लिखते जाते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ये बेहतर रहेगा, ताकि आपका एक नोटबुक तैयार हो जाए और आप बाद में उसको लंबे समय तक अपने पास रख सके और उसको रिवाइज़ कर सके। कभी भी रिवाइज़ करने का मन करे तो नोटबुक उठाया और रिवाइज़ कर लिया। ओके फ्रेंड्स, किसी को हम पढ़ा भी सकते हैं, मेरे पास काफ़ी लोग पढ़ के टीचर भी बने, तो आप भी टीचर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, और फ्रेंड्स वीडियो को वैसे लोगों तक शेयर भी किया कीजिए जिन्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।